मैडम, ये जो बच्चों को आपने बर्खास्त दे रखी है, रोज आपने इसमें पीरियड बनाया हुआ है क्या? हाँ, फर्स्ट पीरियड में हम लोग ये कराते हैं इनको बर्खास्त की किताबें। अच्छा, सभी क्लासों में देते हैं इनको? हाँ जी, सभी क्लासों में देते हैं। अच्छा, हर क्लास के लिए आपने अलग अलग रखी होंगी किताबें? फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर रखी हैं। और इस तरीके से ना जो बच्चा पढ़ लेता है जो किताब, उसको फिर अगली किताब दे देते हैं, और अगर नहीं पढ़ पाता उसी पे फिर हम काम करते हैं। और पुस्तकालय का कैसे इस्तेमाल करते हैं आप? पुस्तकालय में सर हम लोग एक दिन ले जाते हैं, और फिर हफ्ते में एक दिन एक क्लास जाएगी, दूसरे दिन दूसरी क्लास जाती है, और वहाँ पर वो अपने बच्चे अपने हिसाब से, जो जैसे हमने यहाँ पर बरखा सीरीज पढ़ाई, तो वहाँ से बच्चे अपने आप चुनते हैं कि हाँ मैंने ये किताब पढ़ ली है, अपने ये पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद फिर वो अपने आप देख लेते हैं दूसरी किताब, अपने आप चुन के अपने आप पढ़ते हैं। तो बरखा सीरीज से कुछ फ़ायदा मिलता है बच्चों को? पढ़ने में फ़ायदा मिलता है बच्चों को? बहुत फ़ायदा मिल रहा है, बच्चे पढ़ना सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चे चित्र के माध्यम से कोरिलेट करके पढ़ पा रहे हैं उसमें। और सबसे पहले हम लोग मात्राओं का भी ज्ञान करा देते हैं उसमें, और फिर एक शब्द का रिपीटिशन है उसमें, चित्र को बड़े अट्रैक्टिव हैं उसमें, इसीलिए वो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। ये बरखा सीरीज की जैसे ये किताब है, अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही थी रानी भी, इसमें बच्चों ने, इसमें कक्षा दो के बच्चे हैं, ये कक्षा दो के बच्चे ये पढ़ पा रहे हैं। और इसमें देखिए चित्र को इसमें कोरिलेट करवा रहे हैं, इसमें बच्चे स्वच्छता के बारे में भी सीख रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। इसमें प्रिंट अच्छा है, इसके शब्दों के आकार भी है, जो बच्चे बहुत सरल भाषा में इसे दिखाया गया है, इसलिए बच्चे इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तो।